हेलो फ्रेंड्स, हमारा जर्नी का ये तीसरा दिन है और हमने अम्बाला के रास्ते पंजाब में एंटर कर लिया है। और एंट्री पे हमारी प्रॉपर चेकिंग हुई है, वहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी हुई थी, हमारा थर्मल चेकअप हुआ है, हमारी गाड़ी की भी चेकिंग हुई है। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोग्राफी अलाउड ना होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आगे की जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हमने अम्बाला के रास्ते से पंजाब में एंटर कर लिया है और अभी यहाँ पे एक पेट्रोल पंप के पास थोड़ी सी हरियाली है, बैठने की जगह अच्छी है, छांव है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। उसके बाद हम आगे सरहिंद आएगा, उसके बाद हम गुरदासपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अभी है हम राजपुरा से थोड़े से आगे लुधियाना वाले रास्ते पे, यहाँ एक पेट्रोल पंप जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे है, और उसके बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा ये लॉन आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा आराम फरमाया जा रहा है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो जैसे आप देख सकते हैं रिलैक्स हो रहा है यहाँ पे अभी, और थोड़ा यहाँ पे लेटेंगे, एक दो घंटे का रेस्ट होगा, उसके बाद एनर्जी जो मिलेगी उसको लेकर चलेंगे फिर आगे गुरदासपुर, और फिर गुरदासपुर से देखते हैं शाम को कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मतलब अभी अपनी शक्ल तक देखने का मन नहीं कर रहा है, हालत काफ़ी ख़राब है। अब तो ये लग रहा है कि कब पहुँचेंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे बस पहुँच जाए, ये है। हेलो दोस्तों, शुक्रिया आपका हमारे साथ पूरी जर्नी में बने रहने के लिए। अभी हम पंजाब में हैं और सरहिंद की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद खन्ना, लुधियाना, जालंधर होते हुए मुकेरियां, दसुआ साइड से होते हुए हम गुरदासपुर एंटर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इसी तरह बने हुए हैं, और बने रहिए, आपको आगे की जानकारी हम ऐसे ही देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ से नीचे को दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि हमारी जर्नी का ये तीसरा दिन है, हम लगातार 3 दिन से गाड़ी में ही हैं, ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं। बीच में एक आध जगह हमने स्टे किया, लेकिन फिर भी लगातार 3 दिन का सफ़र है और काफ़ी थक भी चुके हैं। अभी बस यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी गुरदासपुर पहुँचें और थोड़ा रेस्ट करने को मिलेगा, और लगता है कि हम 6-7 बजे तक शायद शाम को गुरदासपुर पहुँच जाएँगे। उम्मीद तो यही है, अभी देखते हैं जिस तरह से चल रहे हैं कैसे पहुंचते हैं, कितने बजे तक पहुंचते हैं, आपको बताते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद, शुक्रिया। लुधियाना में भी अपने को खाने का इंतजाम हो सकता है अगर बोलो करना, क्या करना खाने का यार, पर क्या करेंगे अभी तो बोलो। वैसे तो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, कॉलेज का फ्रेंड है मेरा, बॉम्बे भी आया था। सजी भाई कोई हो सकते हैं, मेरे बेटे को लेके नहीं आए तुम लोग, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये
बाद फिर साला पहले पहले उनको चाहिए दिल होता है और दिल से काम किया हुआ अलग होता है। क्या बोल रहा था, आर्मी वाली बात भी हुई थी, वही बात तो पैशन वाले होते हैं यार, वो रह जाते हैं, जाना चाहिए।